जिया बहुत बीमार है और क्यों बीमार है यह अभी आप लोगों को बता ही देते हैं। और आप लोगों का जो सवाल आता रहता है लगातार, आज उन सारी सवालों का भी जवाब दे ही देते हैं। तो ये देखिए, पत्नी महारानी को गोलगप्पे के साथ बैठ गई है, खाना खाए या नहीं खाए, लेकिन गोलगप्पा खाने में महारत हासिल है। बिल्कुल, हम तो आएंगे ही, तो खरीदे किस लिए है, तुम्हें अकेले चटकरेगी। अच्छा, आ जाइए। तो जी, आज का व्लॉग जो है इसी गोलगप्पे के साथ शुरुआत करते हैं। फिर जी हम दोनों मिलकर गोलगप्पा खाने लगे, हमें तो उतना अच्छा ही नहीं लग रहा था, पतिदेव भी ज्यादा खा रहे थे। जी, जब से जिया को हम एक पेट्रोल पंप के पास वाला गोलगप्पा खिला दिए हैं, तब से कहती हमें वही गोलगप्पा खाना है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ का, क्योंकि उसमें जो छोला डाल करके बनाता है थोड़ा सा खटाई कम हो जाता है और गरम गरम छोला रहता है। जी हाँ, इस लाइक को जो है सबसे ज्यादा मैं ही खा रहा हूँ और घर में ज्यादातर कोई खा नहीं रहे हैं, कभी कभी पापा खा लेते हैं। Two hours later. खाना बना रहे हैं आज? क्या बना रहे हैं? जो बना रहे हैं वो नाम लेने वाला नहीं। जब बन जाएगा तब नाम लेंगे। बिल्कुल, खास करके जो भी शाकाहारी है बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या बन रहा है। जी हाँ, कुछ नॉन वेज ही बन रहा है, और नॉन वेज में क्या एग्जैक्टली बन रहा है वह नहीं बताए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर जो है यहाँ पर वह वेजिटेरियन है। जी हम भी एक तरह से वेजिटेरियन ही हैं, आप लोग के फीलिंग को समझ सकते हैं। पूरा तो वेजिटेरियन नहीं है जी, बस एक अंडा खा लेते हैं, तो कह सकते हैं कि ओवरऑल हम वेजिटेरियन हैं। बोल रहे थे कि हमको शिशवा स्पेशल खाना है। अच्छा, तो हम बोले कि चलिए ले आते हैं, लेकिन बनाएंगे हम, तब ना शिशवा स्पेशल होगा, ना बनाएंगे तो नरकटिया स्पेशल हो जाएगा। तो सिसवा मेरा दादी गांव है और नरकटिया जिया का गांव है। ये लो, अनबॉक्सिंग करो, अनबॉक्सिंग करने में बहुत मजा आता है ना तुमको। हाँ, तो ये हमारा आ गया है पावर बैंक, तो आप लोग के सामने ही अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इस पावर बैंक। तो ये रहा हमारा भारी भरकम पावर बैंक, इसका वेट कुछ ज्यादा ही है, उसका वेट इतना था नहीं, कम से कम 3 से 4 बार तो मोबाइल चार्ज कर ही देगा ये। हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसीलिए ले लिए हैं। और इसके साथ हमें मिला है क्या, केबल, यूएसबी केबल दिया है क्या? हाँ, ये केबल दिया हुआ है चार्ज। ये क्या है दीवार पर उजला उजला स्पॉट? अभी समझ में आया तुमको। और हम जो है मार्केट की तरफ निकल रहे हैं, कुछ सामान खरीदना है, कुछ स्टेशनरी का काम है, फूड चैलेंज का वीडियो भी आएगा, तो फूड चैलेंज के लिए भी कुछ सामान हम लोग खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ फूड चैलेंज बड़ा ही मजेदार हो। जी अभी यहाँ देख रहे होंगे पूरा कुहासा है, और हम गए हुए थे भोज खाने के लिए, तो एक जगह भोज था, भोज खा करके आ गए हैं, अब चलते हैं घर। वहाँ के देख रहे हैं इधर कितना कुहासा है, पीछे देख रहे हैं फील्ड, फील्ड तो नज़र भी नहीं आ रहा, ये कुहासा है, ये हाल है जी इधर का। कुछ देर पहले क्या हुआ कि हम ऐसे ही मोबाइल चलाते चलाते रास्ता में चल रहे थे, और क्योंकि कुहासा है पूरा तो हम रास्ता ही भटक गए थे। फिर हम चलते जा रहे थे अपने रास्ता पर, फिर आगे हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो हमको लग रहा था कि रास्ता तो नहीं भटक गए हम, इधर उधर देखे, फिर आगे चले कुछ कदम तो देखे कुछ गेट मिलान किए हम, 3-4 गेट जब मिल गया कि हाँ ये हमारी मोहल्ले का घर है, लगा कि हाँ हम सही जगह है। तब हम पहुंच गए हैं घर, चलते हैं घर के अंदर। The next day. तो जी अभी अभी हम सो करके उठे हैं कुछ देर पहले, और टाइम हो रहा है अभी 7:30। जी यहाँ किचन में जा चुकी है अपना कुछ काम करने, भाई ऊपर में है, पापा भी जो है अपना जो ड्राफ्टिंग करते रहते हैं फाइल का उसमें वो लग चुके हैं। यहाँ पर ये चादर सब पूरा बिखरा हुआ है, एकदम लग रहा है कि पूरा मेस बना हुआ है, इन सबको एक बार ठीक करते हैं। जैसा कि आपको पहले कुछ ब्लॉग में दिखाया था कि हम ऊपर काम करते हैं, ऊपर अपना एक वर्किंग एरिया बना करके रखे हैं, लेकिन आजकल ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसीलिए हम जो है अपने रूम में ही दुबक करके काम करते हैं। सारा कंबल और रजाई उस साइड रख दिया है, क्योंकि कंबल और रजाई के अंदर बैठते हैं तो फिर काम करने में थोड़ा सा आलस आ जाता है। हाँ,
तो जी हमारा हो गया है बेड तैयार। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे लग रहा है कि मैं यहाँ सोने की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं जी, सोने की नहीं, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। और जी इधर मैं कर रही हूँ अपना काम और यहाँ पे आलू कट कर रही हूँ मैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आप आलू का भुजिया कैसे बनाती हैं, तो कई ब्लॉग में मैंने बताया भी है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ फिर से। और यहाँ पे मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें मैं डालूँगी तेल, जीरा और कटी हुई हरी मिर्च। और ये सब जैसे पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे कटा हुआ आलू और उसमें हल्दी। और ये अच्छे से मिला करके ढक करके हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और जब हमारा आलू थोड़ा सा पक जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे नमक। और नमक डालने के बाद हम फिर से ढकेंगे नहीं, ऐसे ही चलाते रहेंगे। और जब तक हमारा आलू ब्राउन नहीं हो जाता है, जब हमारा आलू ब्राउन हो जाएगा, हमें तो एकदम क्रिस्पी वाला अच्छा लगता है और आपको जैसा अच्छा लगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हम ब्राउन करते हैं। और ये देखिए हमारा आलू का भुजिया बनकर तैयार हो गया। जी आपकी हो गई है तबीयत खराब और इसको खाने का रही है तो खा नहीं रही है। चलो खाने नहीं जाएगी, खाने कंबल सहित उठा करके नीचे बैठा देंगे वहाँ पर, खाना लग गया, जल्दी चलो, नहीं मानेगी लगता है। फिर जी मैं मानती कैसे नहीं, और पतिदेव को यदि कुछ काम हो वो सर पर चढ़ जाए, जब तक उनका काम नहीं होता है तो सर पर चढ़े ही रहते। और यहाँ बात थी खाना खाने की, इसमें तो सुनेंगे ही नहीं, तो मुझे खाना पड़ा। तो फिर नारंगी कर दें रेडी। पूरा एकदम पापा जब भी कोर्ट जाएंगे तो जैसे ही उनको फल दिखेगा तो तुरंत फल ले लेंगे वो। ये छोड़ने गया था, नारंगी लेकर के आया है। बोलते हैं क्या कि आपके पेट में ना पत्थर हो गया, डंडा मार दिया, कौन कौन रोग बताते गए, डंडा मारा इसलिए पत्थर हो गया। जी जिया बहुत बीमार है, और क्यों बीमार है यह अभी आप लोगों को बता ही देते हैं। और आप लोगों का जो सवाल आता रहता है लगातार, आज उन सारे सवालों का भी जवाब दे ही देते हैं। जी जिया बीमार हो गई है, और बीमार इसलिए हो गई है क्योंकि इसने कल ढेर सारे कपड़े धो लिए तो उसमें लग गई इसको ठंड, अब बेचारी बेड पर है। भी बीमारी का अपडेट मिलता है आप में से कई लोगों को, तो सबसे पहला जो कमेंट और मैसेज आता है, भैया गुड न्यूज है क्या, जिया कोई गुड न्यूज है क्या? तो जी अभी कोई गुड न्यूज नहीं है, जब भी आएगा आप सबको बता देंगे। फिर जब बता देते हैं कि अभी गुड न्यूज नहीं है, तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप बेबी कब प्लान कर रहे हो, आपका बेबी कब आएगा। और यह सवाल स्पेशली तब से आने लग गए हैं जब हमारे साथ के क्रिएटर हैं रुद्रा पूजा जी, जब से उनका बेबी आया है तो सबसे पहले तो उनको कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और समझ सकते हैं कितना स्पेशल मोमेंट होगा यह उनके लिए। दूसरा चीज कि उनका वह वीडियो जो था स्पेशल मोमेंट जो उन्होंने शेयर किया था, वह यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है इंडिया लेवल पर, ये क्रिएटर भी उनको कितनी खुशी हो रही होगी। और हम लोग को तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल जी, हम लोग बहुत ज्यादा खुश। अब जी आते हैं सवाल पर कि हम बेबी का प्लान कर रहे हैं, तो जी अभी हमारा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ प्लान करेंगे, आप लोग फैमिली जैसे हैं बिल्कुल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बस आप लोग भी सब्र रखिए, हम लोग जो अभी अपनी जिंदगी जी रहे हैं बड़े मजे से जिंदगी जी रहे हैं, वह मोमेंट जो है वह भी बड़ा ही स्पेशल मोमेंट होगा, वह जब भी आएगा आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और जी एक शेयर तो बिल्कुल कर दे, आप लोग के एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।